अच्छी कम्युनिकेशन एक ऐसा स्किल है जिसकी वजह से हमारी जो इनकम है वो 100% तक इंक्रीज कर सकती है। सुनना और अच्छा सुनना वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल स्किल्स है जो आपको ना सिर्फ आपकी एज अ फ्रीलांसर लाइफ में बल्कि आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल और प्रैक्टिकल लाइफ में काम आता है। जो लोग अच्छी बात करना जानते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। मेरा अपनी ज़िंदगी के अंदर 30 साल की मैं होने लगी हूँ, वन ऑफ द मेजर रीजन्स कि मैं आज कामयाब हूँ, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मेरा कम्युनिकेशन अच्छा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मेरा इतना तजर्बा है उसके अंदर से चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुनना है। कम्युनिकेशन के बारे में हम कुछ एक्रोनिम्स आपको बताऊँगी, कुछ चीज़ें आपको बताऊँगी, बहुत ध्यान से सुननी है और इनको अप्लाई करना है फिर लाइफ के अंदर। अच्छी कम्युनिकेशन एक ऐसा स्किल है जिसकी वजह से हमारी जो इनकम है वो 100% तक इंक्रीज कर सकती है। अगर आप 1,000 कमा रहे हो आप 10,000 कमा सकते हो, अगर आप $100 कमा रहे हो आप $1,000 कमा सकते हो, जस्ट बाय इम्प्रूविंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा एक्रोनिम है, केस वर्ड्स स्किल, एक कम्युनिकेशन का हैक है जिसके अंदर हम दो चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। किल का मतलब है कीप इट लॉन्ग एंड लेंथी, केस का मतलब है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। ठीक है, सो किस इज कीपिंग इट शॉर्ट एंड सिंपल। किस वैसे भी सबको पता है कि एक बड़ी वेल लुक्ड आफ्टर चीज़ है, वेल सॉट आफ्टर चीज़ है, तो इसलिए ये एक्रोनिम यूज़ किया गया है जिससे आपको पता चले कि जब आप बात छोटी करते हैं और जामिया करते हैं और मुख्तसर करते हैं तो आपकी बात अगले बंदे तक पहुंचती भी है और उस पर असर भी रखती है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि हम बहुत लंबी बात करते हैं और जो असल बात होती है उसका एसेंस कहीं गुम जाता है बीच में। क्लाइंट से बात करते हुए अभी जितनी भी बातें मैं आपको बताऊंगी ये सिर्फ ओरल कम्युनिकेशन के बारे में नहीं है, रिटन कम्युनिकेशन पे भी उतनी ही अप्लाई होती हैं। यानी अगर आपने प्रपोजल लिखना है तो वो भी आपने शॉर्ट एंड सिंपल रखना है, शॉर्ट स्वीट एंड सिंपल। अगर आप बहुत लंबी बात करेंगे कि मैं ये था, मैं वो था, फिर एक दिन ऐसा हुआ, मैं उधर चला गया, मैं इधर चला गया, तो आपकी सारी बात का एसेंस जो है वो गुम जाएगा कहीं पे, जो पॉइंट है आपका वो मिस हो जाएगा। सो नंबर वन चीज़ हमने क्या याद रखनी है, केल वर्सेज केस। तो हमने कौन सा तरीका अपनाना है, केस वाला, विच इज़ शॉर्ट एंड सिंपल। चाहे हम इसको रिटन प्रपोजल लिख रहे हों, चाहे हम किसी से ओरली बात कर रहे हों, वो आप बेशक स्काइप कॉल कर रहे हैं या किसी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या फिजिकली किसी के साथ मौजूद हैं, बात आप लोगों को भी वही लोग अच्छे लगते होंगे जो स्ट्रेट टू द पॉइंट आए। कोई बंदा अगर हमें बिठा लेता है, लंबे लंबे लेक्चर देना शुरू कर देता है तो हम भी आवाज़ रोड होते हैं कि यार इसकी बात कब ख़त्म होगी, कब हमारी जान छूटे। तो किसी को इस पोजिशन में नहीं लाना जहाँ वो आपसे आवाज़ फील करना शुरू कर दे। आपने उसको स्टार्टिंग में ही, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक ही बात बताती हूँ कि जब भी आपने जॉब का प्रपोजल लिखना है फॉर एग्जांपल, तो प्रॉब्लम से बात स्टार्ट करनी है कि क्लाइंट का प्रॉब्लम क्या है। आपके प्रपोजल की पहली लाइन क्लाइंट का प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है, अगर क्लाइंट कह रहा है कि आई एम लुकिंग फॉर अ वर्डप्रेस वेबसाइट टू बी कम्प्लीटेड इन 1 वीक, तो ये उसका प्रॉब्लम है कि वो 1 वीक के अंदर डिलीवरी चाहता है। समटाइम्स क्लाइंट कह रहे होते हैं आई एम लुकिंग फॉर समबडी अफोर्डेबल, उसका प्रॉब्लम है कि वो ज़्यादा पैसे नहीं दे सकता, वो अफोर्डेबिलिटी देख रहा है। समटाइम्स क्लाइंट कहते हैं कि आई हैव हैड बैड एक्सपीरियंसेस बिफोर, इसका मतलब है कि ही इज़ बर्नड बिफोर, तो ये उसका प्रॉब्लम है। तो जब भी किसी जॉब पे बिड करना है, चाहे आपने रिटर्न करना है, चाहे कॉल पे बात करनी है, आपने पहले क्लाइंट का प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन को 2 से 3 दफ़ा पढ़ना है, उसकी बात को बार बार देखना है कि वो चाहता क्या है। जब तक आपको प्रॉब्लम नहीं पता होगा क्लाइंट का, तब तक आपका प्रपोजल मीनिंगलेस है, तब तक आपकी बात बेकार है। जब आपको अगले बंदे का मसला पता होगा तभी आप उसका सोल्यूशन देंगे। ठीक है, हम सबको क्लियर हो गई कि हमने शॉर्ट एंड सिंपल बात करनी है, प्रॉब्लम से बात स्टार्ट करनी है। जो लव्स क्लाइंट ने इस्तेमाल किए हैं वही लव्स हमने इस्तेमाल करने हैं, ठीक है, ताकि उसको मुश्किल ना दरपेश आए। अगर किसी ने ओपन सोर्स वेबसाइट लिखा हुआ है तो हमने भी ओपन सोर्स वेबसाइट लिखना है। किसी ने वर्डप्रेस लिखा हुआ है तो हमने भी वर्डप्रेस का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। उसको मे भी पता ही ना हो PHP क्या होती है, बैकएंड क्या होता है। सो जो अल्फाज उसने इस्तेमाल किए हुए हैं वही अल्फाज इस्तेमाल करते हुए उसको उसकी बात समझानी है। ठीक है, dankash.com 0304 111 5786